नमस्कार दोस्तों, चंद घंटे बचे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और खुद पाकिस्तान के मुस्तकबिल तय होने में, लेकिन इन घंटों के बीच तनाव जारी है। लगातार कई दिनों से लगातार इमरान खान पर प्रेशर है कि वो सत्ता छोड़े। आज वोटिंग होनी है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, लेकिन उससे पहले एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं अपोजिशन और सत्ता पक्ष के लोग, और ये दुश्मनी अब लंदन तक पहुंच गई है जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रहते हैं। लंदन में रहते हुए नवाज शरीफ के ऊपर ही अटैक हो गया है। लंदन में उनके ऊपर एक शख्स ने, जो पीटीआई का कार्यकर्ता यानी इमरान खान की पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लंदन में मोबाइल फेंक कर मारा है, उन पर अटैक किया है। और इस अटैक में जो नवाज शरीफ के एक बॉडीगार्ड को भी चोट आई है, यानी बड़ा हमला हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर लंदन में रहते हुए। और इस बात को लेकर पाकिस्तान में रह रहे नवाज शरीफ के परिवार वाले, मरियम नवाज जो उनकी बेटी है, इस समय पार्टी को लीड कर रही है, उनका कहना है कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक शारीरिक हिंसा है और शारीरिक हिंसा को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे पिता पर जो अटैक हुआ उसको लेकर इमरान खान को अरेस्ट किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान में जो इस समय अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है वो शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं उनके नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है। अगर ये सरकार जाती है यानी पीटीआई यानी इमरान खान की अगर सरकार गिरती है तो शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है, और इसलिए इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता लगातार नवाज शरीफ से और उनकी पार्टी से काफ़ी खपा है, और इस खपा की वजह से ही उन पर लंदन में अटैक हुआ। अब मरियम का कहना है कि मेरे पिता पर अगर इस तरह का अटैक होता है तो उनकी जान को खतरा है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से इमरान खान की है, और इसी वजह से उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। हालांकि अब कुछ घंटे बाद ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हर प्रधानमंत्री को पहले ही सत्ता से हटना पड़ा, लेकिन इससे पहले यानी आज से पहले 2 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव का सामना प्रधानमंत्रियों को करना पड़ा, 2 प्रधानमंत्रियों को, शौकत अजीज को और बेनजीर भुट्टो को, हालांकि दोनों ही बच गए थे। अब देखना होगा कि इमरान खान ये जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है पाकिस्तान के इतिहास में 3री बार उनके सामने, उससे बच पाते हैं या नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अगर संख्या के हिसाब से देखें तो वहाँ पर बहुमत के लिए 172 सीटों की ज़रूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान के पास सिर्फ 142 सांसदों का विश्वास है और विपक्ष के पास 199 पार्लियामेंटियन है, यानी इस पूरी मुश्किल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने है। हालांकि वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुमत जीत लेंगे, उनका कहना है कि वो अंतिम बोल तक लड़ेंगे, लेकिन लगता नहीं है। इसकी कई वजह है जो इसका खुलासा मैं बताऊंगा, लेकिन ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री जो रहे हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनके ऊपर लंदन में अटैक हुआ, और जिसको लेकर मरियम नवाज प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा मांग रही है।